नगर पालिका कर्मचारी महेंद्र छोटू त्रिवेदी सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत है, जिसे मनावर गांधीनगर में रहने वाले नरेंद्र द्वारा गोली मार दी गई। मनावर नगर पालिका हमेशा से विवादों में घिरती नजर आई है। कई ठेकेदारों के कार्य करने के बाद भी बिल अभी तक नहीं दिए गए हैं और कई सफाई कर्मियों के वेतन भी बाकी बताए जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से नगर पालिका में विकास कार्य नहीं हुआ। वर्तमान में नगर परिषद में विकास कार्य चालू हुए थे, परंतु एक न्यूज से सीएमओ को निलंबित कर दिया गया था। इस वजह से यहां के कार्य सारे रुके हुए पड़े थे, जगह जगह सफाई नहीं हो रही थी। वर्तमान में वापस आए सीएमओ संतोष चौहान को चार्ज दिया गया था, जिन्होंने शनिवार से ही अपना पदभार ग्रहण किया था। मंगलवार को यह गोली का कांड हुआ है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि गोली किस कारण चलाई गई है। गोली लगने वाले छोटू शास्त्री का मनावर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गोली चलाने वाला नरेंद्र ढोली फिलहाल गिरफ्त से बाहर है। पुलिस प्रशासन अपनी टीम सहित मौके पर मौजूद है। मनावर से लोकेंद्र यादव की रिपोर्ट। 12 बजे ये नगर पालिका के कर्मचारी है छोटू त्रिवेदी, इनको जो है आज नरेंद्र ढोली नामक व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई है। प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ है कि इसमें जो नरेंद्र ढोली है उसका लड़का भी नगर पालिका में आउटसोर्स में कार्य करता था, जिसे एक साल पहले निकाला गया था। संभवतः इसी बात को लेकर के आज विवाद हुआ और इसमें इनके द्वारा गोली चलाई गई। सर, आरोपी अभी आरोपी की तलाश जारी है। घायल को जो है बर्दवान रेफर किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।